आज का सुसंस्कार इंसान, भगवान और हैवान। देखिए, इंसान के लिए कहा गया कि इंसान गलती का पुतला होता है, इंसान गलती करता है, टू एर इज ह्यूमन। परंतु अगर वो गलती का सुधार कर लेता और वापस गलती नहीं करता है, वो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पद्धति को फॉलो करता है, तो वह इंसान है, वो मनुष्य है, वो मानव है। और भगवान उसको कहते हैं जो गलती करते ही नहीं है, उनके भाव इतने शुद्ध होते हैं, उनकी लेशाएं इतनी शुद्ध होती है कि वो गलती करते ही नहीं है। पहुंचे हुए साधक लोग, संत लोग और सुशिक्षित लोग, और कहना चाहिए वो स्थित प्रज्ञ कहिए या हमारे जो कहिए प्रज्ञा चक्षु कहिए, और जो प्रज्ञा के जगत में लोग जीते हैं, वो लोग गलती नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग भगवान का रूप होते हैं। भगवान वह होता है जो किसी प्राणी को कष्ट न देके यथासंभव उसकी मदद करता है। और तीसरे तरह के वे लोग होते हैं गलती पे गलती करते रहते हैं और गलती को स्वीकार भी नहीं करते हैं, और वे लोग दुर्जन कहलाते हैं, हैवान कहलाते हैं, राक्षस कहलाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग कहलाते हैं। हमारे समाज में तीनों तरह के लोग हैं। तो आप अभी मनुष्य भव में हो, मनुष्य गति में हो, तो आपको कम से कम मनुष्य तो बनना चाहिए। आप देखो कि मैं जो है और ज़्यादा विकास कर सकता हूँ, तो आप जो है भगवान बनिए, लेकिन हैवान किसी रूप में नहीं बनिए। हैवान का अर्थ होता है दूसरों को दुख देने वाला, और मनुष्य होता है कि गलती करता है तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है।